सहारा प्रणाम, मैं हूं प्रीति पांडे। बड़ी बहस में आप सबका स्वागत है। हैं तैयार हम। भारत की जमीनी सीमाओं पर पिछले 18 महीनों से जो दबाव बढ़ता जा रहा है, उसके लिए हमारी तैयारियां भी लगातार जारी हैं। लद्दाख में अप्रैल 2020 से हुई चीनी घुसपैठ के बाद 12 दौर से ज्यादा की बातचीत का नतीजा ये रहा कि चीन न केवल लद्दाख के डैम चौक में डटा हुआ है, बल्कि 2 हफ्ते पहले उसने अरुणाचल के तवांग पर भी दावा ठोकने के लिए 200 चीनी सैनिकों की एक टुकड़ी को घुसपैठ का आदेश दे दिया। टुकड़ी अंदर भी आ गई, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उन्हें पीछे जाने पर मजबूर कर दिया। यूएन की बैठक में पाकिस्तान और चीन की भारत ने जमकर मजम्मत की, तो क्वाड देशों की बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की घेरेबंदी को नाजायज बताया गया। अमेरिकी प्रशासन ने भी भारत के खिलाफ पाकिस्तान और चीन की साजिशों पर कड़ा बयान दिया। नतीजा, भारत की रंग लाती कोशिशों से बिफरे चीन और पाक ने एक बार फिर भारत के खिलाफ मोर्चाबंदी तेज कर दी है। चीन अब तिब्बत के ही रास्ते भारत पर दबाव नहीं बना रहा, बल्कि नेपाल और भूटान की जमीन पर कब्जा करने की रणनीति, बांग्लादेश और श्रीलंका को आर्थिक मदद देकर और पाकिस्तान का सबसे बड़ा हमदर्द बनकर वो भारत को हर तरफ से घेरने में जुट गया है। करीब 7 महीने पहले पेंगोंग इलाके से पीछे हटने, लद्दाख के कुछ इलाकों से सेनाओं की वापसी का नाटक करने वाला ड्रैगन पिछले दिनों कराकोरम और पूर्वी लद्दाख में 80 से 85 अस्थायी टेंट लगाने के अलावा 3488 किलोमीटर लंबी LAC पर पूरी ताकत झोंक रहा है। और ये सब कुछ अप्रैल 2020 में हुई घुसपैठ के बाद से लगातार जारी है। चीन चाहता है कि एशिया के मुल्कों में उसकी हनक और धमक बनी रहे, जिसमें भारत आड़े आ रहा है। लिहाजा भारतीय सेना ने भी अब जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। सीमा पर बोफोर्स और एंटी एयरक्राफ्ट गन तैनात करने के अलावा वायुसेना के रफेल और तेजस लगातार चीन की चालबाजियों पर नजर रख रहे हैं। तो चीन को लेकर हैं तैयार हम। इस विषय को लेकर के चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी के नेता संजय सिंह जी, स्वागत है सर आपका। कांग्रेस के प्रवक्ता रिटायर्ड कमोडोर अनुमा आचार्य, स्वागत है आपका। डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल JP सिंह, स्वागत है सर आपका। और विदेश मामलों के जानकार रुबिंद्र सचदेव साहब, आप सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले संजय जी, आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस देश की नागरिक होने के नाते ये हर व्यक्ति को जानने का हक है कि चीन क्या वाकई हम पर आने वाले दिनों में एक युद्ध थोपने जा रहा है, जिसकी तैयारियां वो कर रहा है, लिहाजा मजबूरन उसकी चालबाजियों को देखते हुए हमें भी उतने ही काउंटर करने के लिए सैनिकों की तैनातगी करनी पड़ रही है, तैयारियां हमारी तरफ से भी हो रही हैं। लेकिन सर, अंदेशा तो हो ही जाता है, लिहाजा ये सवाल मैं पूछना चाहती हूँ क्लियर कट कि क्या हम किसी युद्ध की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। देखिए, एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अप्रत्यक्ष रूप से चीन अब पाकिस्तान के सहारे, पाकिस्तान के जमीन के सहारे भारत के ऊपर, भारत को ललकारने का विगत कई वर्षों से लगातार कोशिश कर रहा है। उस वक्त जमीन पाकिस्तान का इस्तेमाल करता था और आर्मी भी समझ लीजिए एक तरीके से पाकिस्तान का इस्तेमाल करता था। हथियार, रणनीति, साजिश सब कुछ चाइना की ही होती थी। वर्तमान में भारत सरकार ने कहीं ना कहीं से पाकिस्तान को बॉर्डर के ऊपर कहीं ना कहीं से एक परास्त करने का या हर तरीके से उसके साजिशों को तोड़ने का एक पूरा एक खाका तैयार किया और उसमें सफल हुआ। इससे ये हुआ कि चाइना को अब खुल के, क्योंकि चाइना के पास अभी ऐसी स्थिति नहीं है, उस अब ऐसी नहीं बची कि वो पाकिस्तान के सहारे अपने आप को वो भारत से लड़ सके। बार बार भारत में वो उद्योग व्यवस्था करता था, यहाँ माल सप्लाई, यहाँ इकोनॉमिक दृष्टि चलाता था और पाकिस्तान के माध्यम से वो भारत से लड़ता था। अब क्या कर दिया उसको, अब चाइना को खुल के भारत सरकार की अपनी नीति थी, जो दुश्मन है सामने आ जाओ, और उस नीति में भारत सरकार को सफलता मिली और चाइना अब खुल के भारत के सामने आया है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आज चाइना बॉर्डर पे अपनी हरकतों को क्यों चालू कर दिया। एक जमाना हुआ करता था जब हमारे प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश में जाते भी नहीं थे या चीन के थोड़े से गिदड़ भभकी से हम कहीं ना कहीं ठहर जाते थे। आज वो स्थिति नहीं है।
आज हम सेना हटाने और रखने की बात तो छोड़ दीजिए, एलएसी से एलओसी दूर है थोड़ा, वहां से सेना हटाने और रखने की उसके बातों से हम ऊपर आ चुके हैं। आज वहां पर जितने हमारे पास तोप हैं, राफेल हैं, हम आर्मी एम्युनिशन से जितने मजबूत रूप से वहां तैयार हो सकते हैं, हम तैयार हो चुके हैं। अब चाइना को इस बात का समझदारी आ चुका है कि कम से कम भारत अब गीदर भभकी से तो डरने वाला नहीं है। अब उसे गीदड़ भभकी ही है आपको लगता है, जिस तरह की तैयारियां वो कर रहा है और जिस तरह से मौसम के लिहाज से भी अब तो उसकी तैयारियां और बेहतर हो गई हैं हाल के दिनों में, जिस तरह की खबरें आ रही हैं अरुणाचल से लेकर के एलएसी के तमाम पॉइंट्स पर कि मौसम के लिहाज से जिस तरीके से मॉड्यूलर वो अपने लिए बंकर तैयार कर रहा है, रहने वाले एस्टेब्लिशमेंट्स तैयार कर रहा है ताकि उसके सैनिकों को कहीं कोई दिक्कत ना हो और चाहे कितना भी खराब मौसम हो वहाँ पर उन्हें एक सेफ एनवायरमेंट मिले जहाँ पर वो आराम से रह भी सकते हैं और किसी भी स्थिति के लिए तैयार भी रहेंगे। ये तैयारियां सिर्फ गीदड़ भभकी तो नहीं हो सकती जिस तरीके से सुना है। एक बात है कि हम दुश्मन को कभी भी एक हल्के तरीके से नहीं ले सकते हैं। अभी तक की जो पहले स्थिति थी डरा धमका के अपने आप को तैयार कर लेना और भारत को पीछे करा लेना, वो जो स्थिति थी वो स्थिति में अब तब्दीली हो चुकी है। अब उसे बॉर्डर के ऊपर अपनी मुस्तैदी दिखानी पड़ रही है। वो इस बात को समझ रहा है कि ये हिंदुस्तान अब 1962 का हिंदुस्तान नहीं है, अब ये हिंदुस्तान हमसे टक्कर लेने में सक्षम है। सवाल का जवाब आपने अभी भी नहीं दिया ना, आप घुमा गए। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, क्या चीन हम पर युद्ध थोप रहा है या चीन की वजह से हम युद्ध की तरफ अग्रसर हो रहे हैं? अगर इसका जवाब मिल जाता तो शायद बेहतर तरीके से। चीन की वजह से, एक लाइन में जवाब दे रहा हूं, चीन की वजह से हम युद्ध के लिए अग्रसर हो रहे हैं, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है और न ही कोई शंका रखने की आवश्यकता है। अनुमा जी, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। अगर चाइना, संजय जी जिस तरीके से स्वीकार कर रहे हैं कि स्थितियां तो हैं, इनकार उन्होंने किया नहीं, और अगर अग्रसर भी हो रहे हैं तो इसके लिए जिम्मेदार चीन है, यही बात तो आप लोग भी पहले से उठाते रहे थे कि चीन को हल्के में क्यों लिया जा रहा है, चीन के मुद्दे को समझने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही, सरकार इसको अंडर एस्टिमेट क्यों कर रही है? मेरी सर्विस भी बदल दी और मेरा प्रमोशन भी सर्विस बदल के कर दिया। कॉमोडोर जो है वो इंडियन नेवी की रैंक होती है, मैं विंग कमांडर हूँ, इंडियन एयरफोर्स में थी और अभी रिटायर्ड हूँ। एक तो ये बात, दूसरी चीज वेल इन्फॉर्म बहस हो तो कुछ बात बने। अब ये जो बोल रहे हैं सारा कुछ अनर्गल है, एक भी बात में ना तो समझ है ना जानकारी है ना कोई बात। आप अपनी बातें रखें तो आप अपनी बातें रखें, वेल इन्फॉर्म्ड बहस हो आप अपना वेल इन्फॉर्म्ड दें। ही डजंट नो, इनको कुछ भी नहीं मालूम है कि चीन के, अगर मैं आज चार सवाल पूछ लूं तो नहीं मालूम होगा। अब आपसे मैं आपका सवाल का जवाब देती हूं, अब क्या तो जवाब दें, क्योंकि बहस जिस तरह से कहीं भी चली गई है कहीं भी, तो आपको बता दूं कि अभी तक आपने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। जो है, अरे चुप रहिए, आपको पता ही नहीं है ना कुछ तो जो आपको पता बताइए, इन्फॉर्म्ड इंसान आपको जो पता बताइए ना, अपनी बात रखिए, खोल के बोलना शुरू, आप अपनी बात रखिए। संजय जी शायद बहुत संजीदा विषय है, अनुमा जी अपनी बातें रख ले, हम समझ पाएंगे बेहतर तरीके से। जी क्योंकि मैं फौज में थी, इनके समझ में तो आता नहीं है। 13 बार बात हुई है और 13वीं बार मिलिट्री लेवल पे बात हुई है, जी ठीक है। इसमें डिप्लोमेटिक लेवल पे एक बार बात हुई थी पिछले साल, जब हमारे विदेश मंत्री ने बात की थी अपने काउंटर पार्ट से, एक बार रक्षा मंत्री के लेवल पे बात हुई है और एक बार एनएसए ने इनफॉर्मल तरह से बात की है, राजनीतिक लेवल पे एक भी बात नहीं हुई है। तो हम एक तरफ तो चीन चीन कर रहे हैं, दूसरी तरफ बात करने को हम तैयार नहीं है, तीसरी तरफ जहां भी हम बड़ी बैठकों में गए हैं हमारे मुंह से हमने चीन शब्द का वहां पर भी नाम नहीं लिया है, यहाँ पर भी नाम नहीं ले रहे, तो कहीं ना कहीं। अच्छा दूसरी चीज, आप प्रोग्राम के शुरू में कुछ दिखा रहे थे, वो देख के तो आप क्या कहा जाए कि जहां पर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करने वाला है उसके रोबो लड़ेंगे और हम जो है वो त्रिशूल दिखा रहे हैं, तो क्या हम आषाढ़ युग में जाके चीन से लड़ाई कर सकते हैं? देखिए कोई भी लड़ाई कभी लड़ाई से खत्म नहीं होती, हमेशा डायलॉग से होती है। दुनिया का कोई भी मुद्दा निकाल लीजिए आप, डायलॉग करने को हमारी सरकार के अंदर हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं बात करते प्रधानमंत्री, क्यों रक्षा मंत्री और इनके लेवल के लोग बात नहीं करते? जब तक वो बात नहीं करेंगे मिलिट्री लेवल पे केवल खाना। चलिए आप जिस मुद्दे को आगे बढ़ा रही है, मैं चर्चा जारी रखूंगी मैम, जेपी सिंह साहब का भी मैं रुक कर लेती हूँ। सर यहाँ पर जिस तरीके से अनुमा जी ने मुद्दा उठाया कि उनके पास जिस तरह के गैजेट्स हैं, जिस तरह के डिवाइसेस हैं, रोबोट्स सैनिकों के तौर पर काम करेंगे, हमारे पास तो उतनी अभी तकनीक
तकनीक भी नहीं है, और जिस तकनीक का दम हम लोग दिखा रहे हैं और कहते हैं कि हमारी तैयारी पूरी है, क्या वो तकनीक अगर युद्ध के हालात होते हैं या चीन जबरन भी, अगर मैं संजय जी की बात को समझ भी लूँ या इत्तेफाक रखती भी, चीन अगर हम पर युद्ध इम्पोज करता है तो हमारी ये तकनीक हमारी कितनी मददगार साबित होगी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? बिल्कुल जो संजय जी ने कहा बिल्कुल सही कहा है, और जिस तरह चीन हम पर युद्ध थोपने की तैयारी कर रहा है हम पूरी तरह से सक्षम हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि LAC पर जो चीन हरकत कर रहा है, बंकर बनाए हैं और तरह तरह की जो टेक्नोलॉजी से वो LAC को इक्विप कर रहा है जी। ये जो 4-5 दिन पहले जो एक NPC नेशनल पीपल्स कांग्रेस चाइना गवर्नमेंट ने जो एक लॉ पास किया है जी। कि हम LAC को किस तरह से एक्सप्लॉइट करें, LAC पर रहने वालों लोगों का किस तरह से हम उनको एक्सप्लॉइट करके और जो भारत है उसको गीदड़ भभकी के तौर पर हम कैसे उसका इस्तेमाल करें, मानता हूँ कि उन्होंने किया है, लेकिन चाइना को भूलना नहीं चाहिए कि भारत अभी 1962 वाला भारत नहीं है। हम भी पूर्णतः सक्षम हैं, हमने भी अपने जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ऑर्डर है, बोफोर्स है, ड्रोन्स हैं, और जैसे आपने रफेल है और इस तरह का जो हमने डिप्लॉयमेंट किया है। सर आपको एक जानकारी दूं, हालांकि आपको मुझसे बेहतर जानकारी होगी लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये पॉइंट मुझे रखना चाहिए। चीन का जो रक्षा बजट है ना वो $261 अरब है, उसके मुकाबले में हमारा जो है ना 71 अरब है। आप मुझे ये बताइए, हमारे पास न तो उतने गैजेट्स हैं, न उतने हथियार हैं, न हमारी अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत है, और जिस तरीके से चीन लगातार खास करके LAC के आसपास एयर स्ट्रिप्स तैयार कर रहा है, बंकर तैयार कर रहा है, अपने सैनिकों की तैनातगी कर रहा है, वो भी उन तमाम सुविधाओं के साथ में जिसमें कोई भी मौसम हो, कोई भी स्थिति हो, उन पर असर नहीं पड़ने वाला, वो तमाम स्थितियाँ हमारे यहाँ नहीं है, उस तरह की फैसिलिटीज़ हम दे भी नहीं पाते अपने सैनिकों को। आपको लगता है कि सिर्फ कह देने पर से हम उतने सक्षम तरीके से अपनी सेना को मजबूती दे सकते हैं? नहीं, हमारी सेना पूरी मजबूत है। मैं आपको बता देना चाहूँगा, मैंने खुद देखा है, मैं 30-35 साल पहले जब मैं वहाँ पर था DBO में, गलवान वैली में जी, वहाँ पर जब मैंने सर्विस की थी तब उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अब जो हमारे बहन प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, उन्होंने जो एक मुद्दा उठाया है कि भाई मिलिट्री लेवल पर टॉक से कुछ बात नहीं बनती, पॉलिटिकल लेवल, डिप्लोमेटिकल लेवल, भारत ने पूरी तरह से कोशिश करके और चाइना को ये मैसेज देने के लिए कोशिश की है कि हम इसका कोई समाधान चाहते हैं। सेना ने भी तो ये कहा है कि जो बातचीत हुई है, जो सुझाव हमारे तरफ से दिए गए थे उस पर चीन सहमत नहीं हुआ, हमारी बातचीत बेनतीजा रही, बेकार रही, ये तो भारतीय सेना का वर्जन है। हाँ ठीक है, 13वीं जो बातचीत हुई थी 2 हफ्ते पहले, जो 13वीं बातचीत का दौर चला था उसमें ठीक है नहीं सहमत हुआ तो हम थोड़ी चाइना के सामने झुक जाएंगे। हम किस तरह से कमजोर हैं चाइना से, हम चाइना से पूरी तरह से निपटने के लिए सक्षम हैं। रोबिंद्र जी का मैं रुक कर रही हूँ इन्हीं पॉइंट्स को लेकर के, रोबिंद्र जी क्योंकि इस विषय को लेकर के हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, ये हकीकत है कि हमने हर बार चाइना को कहीं ना कहीं मुंह की खाने पर मजबूर किया है, बावजूद इसके जिस तरीके से वो स्ट्रेटेजिकली सारी चीजें डिजाइन कर रहा है भारत के खिलाफ हर फ्रंट से, चाहे फिर वो बांग्लादेश का इस्तेमाल हो, भूटान का इस्तेमाल हो, श्रीलंका का इस्तेमाल हो, नेपाल तक को नहीं छोड़ा उसने, और पाकिस्तान का इस्तेमाल तो वो शुरू से करता ही आ रहा है। अब जो उसकी तैयारी है उसके लिए हमें कितना तैयार रहना चाहिए, और सिर्फ ये कह देने भर से कि हमारी तैयारियां पूरी हैं, क्या हम हकीकत में उस असलियत से, उस हकीकत से आंखें नहीं चुरा रहे जो दरअसल चाइना हम पर फोर्सफुली थोपने की कोशिश कर रहा है? नहीं, हम आंखें बिल्कुल मैं, नहीं मैं रोबिंद्र जी से, सर रोबिंद्र जी अगर आप मुझे ये सवाल सुन पाए तो मैं इसका जवाब आपसे चाहूंगी सर। थैंक यू। देखिए दो तीन चीज पर मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अगर हम बार बार कह सकते हैं कि भारत 1962 का भारत नहीं है तो क्या चाइना 1962 का चाइना है? क्या चाइना भी तो पिछले 60 सालों में इतना प्रोग्रेस कर गया है, ये क्यों भूल जाते हो? ये बहुत बड़ी हमारी तो मतलब मायोपिक विजन, हर जगह हमारा नैरेटिव एकदम 62 के नहीं है, मान लिया ऑफकोर्स नहीं है, पर चाइना कौन सा 62 है? वो तो 70 साल में कैरियर कर चुका है। बिल्कुल। तो अपने को इस रेखावे में रहना कि हम वर्ड्स के ऊपर,
अनफॉर्चुनेटली कि हम हमसे कोई टक्कर ले सकता, ये एक गलत फ्रेम में रहा, दैट इज वन। बट यस, भारत बहुत प्रयास कर रहा है और हम अच्छा खड़े हो रहे हैं चाइना। चाइना जो एक और चीज जो हमारे नैरेटिव में आती है, हम सब कहते हैं चाइना थाउजेंड कट्स की धीरे धीरे हमें काट मतलब चोटे देता है, वो तो देता है, पर चाइना उससे भी आगे तक गया। अब चाइना हमारे को एक तरह से स्ट्रेच कर रहा है, हमारे को खर्चे करने पे मजबूर करता है, मिलिट्री पर, रेडीनेस पर, हमें इतना ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। पूरी एलएस को अफकोर्स स्टोर करने के लिए हम करेंगे, राइट, लॉन्ग टर्म या मीड टर्म में हमारी इकोनॉमी उसका नेगेटिव इंपैक्ट लेगी। जी, आपको और दर्शकों को याद हो, रोनाल्ड रीगन जब प्रेसिडेंट बने अमेरिका के, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट था स्टार वॉर्स, राइट, कि स्पेस से अमेरिका लड़ रहा है, उसको काउंटर करने के लिए सोवियत यूनियन ने इतना पैसा खर्च करा कि सोवियत यूनियन ब्रेकअप। हमें ये चीजें ध्यान, बिल्कुल, हमें इन तमाम एस्पेक्ट्स को भी समझना चाहिए। आ रही हूँ सर वापस आपके पास में। संजय जी से जरा पहले इसका जवाब ले लें, क्योंकि संजय जी ने ये तो माना, कम से कम ये तो माना कि चीन वाकई एक ऐसा विषय है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, वरना कुछ समय पहले तक तो अरुणाचल जैसा कोई फ्रंट चिंता का विषय ही नहीं था। सिर्फ जो कुछ हुआ गलवान में हुआ, लद्दाख में हुआ, हम इसी पर चर्चा कर रहे थे, अरुणाचल को तो लेकर के हमने आंखें मूंद ली थी। संजय जी, इस वक्त अगर बोफोर्स की तैनाती की गई है भारत सरकार द्वारा, या फिर पिनाका की तैनाती की गई है, और इसी तरह से बाकी तमाम हमारे गैजेट्स की, हमारे वेपन्स की डिप्लॉयमेंट वहां पर सैनिकों के साथ की जा रही है, इसका मतलब तो साफ है कि एक और नया फ्रंट हमारे लिए तैयार है, जो कि उतना ही चिंता का विषय है जितना कि लद्दाख, गलवान या फिर और जो कनेक्टेड एरियाज हैं जो चीन के साथ हम एलएसी पर शेयर करते हैं। देखिए, इसको आप दूसरे तरीके से ले सकते हैं। जब आपका ये 3488 किलोमीटर का एक एलएसी लाइन आप बॉर्डर जो है जी, आप साझा करते हो चाइना के साथ, और चाइना आपका मित्र राष्ट्र नहीं है, चाइना आपका दुश्मन राष्ट्र है, और दुश्मन राष्ट्र में भी दुश्मन की अग्रणी भूमिका में है, तो इस बात का जो हम अभी तक नेग्लिजेंस करते आ रहे हैं, जिसको हम छोड़ते आ रहे हैं, जिसको हम ये समझ रहे हैं कि अभी हम चाइना से लड़ने लायक नहीं बने हैं, कम से कम भारत सरकार अपनी भूमि पर अपने सेना को और अपने अपनी ताकतों का पूरी व्यवस्था कर रही है, जिससे कि अगला को यह लगे कि वो किसी भी तरह से तैयार है। आप इसको इस तरीके से लीजिए। अगर हम किसी जमाने में नेग्लिजेंस करते थे, इसका ये नहीं मतलब है कि हम आज के तारीख, लद्दाख हम को लेकर आज के तारीख, देखिए संजय जी जी, साल भर पहले गलवान और लद्दाख में जो कुछ हुआ था उसको लेकर के मुझे तो ये भी ठीक से याद नहीं आता कि भारत सरकार ने शुरुआत में जो स्टेटमेंट दिया था वो क्या था। मानने को भी तैयार नहीं थे आप लोग तो कि ऐसा कुछ हुआ, और आज तक भी मुझे लगता नहीं कि बहुत क्लियर तरीके से, डिफाइंड तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को देश से अवगत भी कराया गया। हमें तो यही कहा जाता रहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ इंटैक्ट है, कहीं कोई घुसा नहीं हमारी जमीन में, एक इंच भी कोई आया नहीं, कोई घुसा नहीं, मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आता आज तक भी कि ऑफिशियल जानकारी देने में समस्या कहाँ है। देखिए, एक बात सुनिए, आपने भी खुद बोला कि $65 अरब का अभी डिफेंस का बजट है भारत सरकार का। हमने दुश्मन हमारे अगल बगल बहुत सारे हैं, हम पाकिस्तान बॉर्डर को पहले सुरक्षित किए, हम लद्दाख की ओर बढ़े, गलवान की ओर बढ़े, अब हमारा समय है कि हम अपना अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर भी तैयार करें। ऐसा नहीं है कि चाइना कोई आज से हमारे लिए हमारे प्रदेश में हमारे क्षेत्र में घुस रहा है। जेपी सिंह जी, चाइना तो अरुणाचल, जेपी सिंह जी जिस कानून की बात कर रहे थे ना अभी डिबेट में, जिस कानून की बात कर रहे थे, चाइना ने इस कानून को पास भी कर दिया, और उस कानून के मुताबिक अगर एलएसी के आसपास का जो भी रीजन है वहां पर कोई भी डिस्प्यूट या कोई भी ऐसी स्थितियां पनप रही है, तो चाइना उसको अपना हक समझता है कि उसमें इंटरवीन करके उसका सॉल्यूशन वो निकाल सके। अब वो एलएसी के पास के जो रीजन है उसमें अरुणाचल भी आता है, लद्दाख भी आता है, बाकी तमाम चीजें भी आता है। चाइना इतना इंटरफेयर कर रहा है हमारी जमीन पर, बावजूद इसके हमें ये दिखाई नहीं दे रहा, हमें समझ ही नहीं आ रहा, हम मानने को ही तैयार नहीं है। जब हम समस्या को मानेंगे ही नहीं तो उसका निदान कैसे होगा सर? नहीं, मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, कौन नहीं मान रहा समस्या को? समस्या को अच्छी तरह से भारत सरकार भी समझ रही है और मिलिट्री भी समझ रही है, सब समझ रहे हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है
कि हमारे तैयारे कमजोर हैं, हम सक्षम नहीं हैं। ठीक है, चाइना कर रहा है एलएसी पर उस लॉ पास होने के बाद में, ठीक है, ये उसका अपना जो हक है या जो वो एक्सप्लॉइट करना चाहता है। 8 नए सैन्य बेस बनाए गए हैं, ये कहना चाहिए इधर इन टॉक्स के बीच में ही चाइना द्वारा 8 नए सैन्य बेस बनाए गए हैं, एयरबेस भी तैयार किए जा रहे हैं, डेवलप किए जा रहे हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस हथियारों के साथ में, क्या कुछ समझा जाए? मतलब वो जैसा कि रविंद्र साहब भी कह रहे थे कि वो हम पर स्थितियां फोर्स कर रहा है और हमारी अर्थव्यवस्था का एक अच्छा खासा हिस्सा हमें मजबूरन वहां एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है, हमारी तरफ से खर्च हो रहा है। वो एक मजबूरन एक्सपेंडिचर नहीं है, वो एक जरूरत का एक्सपेंडिचर है, भले वो बॉर्डर के हिसाब से क्रिएट हुआ एक्सपेंडिचर है, वो हमारे भारत के हित की आवश्यकता है। और भारत ने इसको प्राथमिकता पे लिया, इस भारत ने प्राथमिकता पे लिया और हर जगह चाइना के साथ टक्कर लेने को तैयार खड़ा है। अगर अरुणाचल प्रदेश अनुमा जी, आपकी मुस्कुराहट समझ में आती है कि आप इसका जवाब देना चाहती हैं। उनकी मुस्कुराहट इसलिए है कि वो कांग्रेस से है, वो कांग्रेस से है, वो भी भारत की सेना को कमजोर कहेंगी। संजय जी वो भारतीय है, भारतीय सेना की नुमाइंदगी करते हैं, कम से कम ये तो ना कहें कि वो कांग्रेस से है और वो भारतीय सेना को कमजोर कहेंगी। सेना की नुमाइंदगी करने के बाद में अभी मैं कांग्रेस प्रवक्ता सामने में, आप वो डिफेंस के नाम पर अपने आप को बहुत विद्वान नहीं कह सकती है। हम एक कांग्रेस प्रवक्ता को संजय जी देख रहे हैं, संजय जी सुन लेते हैं, हर बात संजय जी सुन लेते हैं ना, शायद हमारे बेहतरी के लिए, हमारे अच्छे के लिए कुछ ज्ञानवर्धक बातें बताएं वो। समझ लीजिएगा। और दूसरी चीज ये है प्रीति जी, कि मेरा ये कहना है, एक तरफ ये जवाब, इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि हमारे राजनीतिक लोग और कूटनीतिक लोग क्यों डरपोक है सेना, तो हर बार मिलिट्री की 13 टॉक्स किए सेना ने, सेना की क्या बात करते हैं, सेना के कंधे पर तो आप चढ़ के सवारी कर रहे हैं, उतना ही आगे बढ़ पा रहे हैं, आपके तरफ की सवारी कहाँ है, सरकार की तरफ की कोशिशें कहाँ है? आज भूटान के साथ संधि की है चाइना ने, आज वो श्रीलंका के साथ वो डोनेशन डिप्लोमेसी कर रहा है, लोन डिप्लोमेसी कर रहा है, और हमारी कूटनीतिक लोग कहाँ है, किधर फेल है, किधर जा? आप क्या चाहती हैं कि हमारी सरकार उसकी मांग को मान ले, अरुणाचल प्रदेश उसको दे दे? आप क्या चाहती हो, हमारी सरकार जाए और कहे कि संधि करो, अरुणाचल प्रदेश छोड़ देता हूँ, आप अरुणाचल प्रदेश में इंटरफेयर करो, इस तरह की राजनीतिक बातें नहीं करते हैं। तो अगली बार अगर मैं ऐसे डिफेंस एक्सपर्ट को देखूंगी तो उससे बेहतर तो डिफेंस के बारे में मैं ही बता दूंगी आपको। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मेरा सवाल बिल्कुल अपनी जगह मुस्तैद है कि क्यों नहीं हमारी सरकार के नुमाइंदे बात कर रहे हैं। संजय जी, सरकार की तरफ से जब वो अरुणा जी जवाब ले लेते हैं इसका संजय जी से, जब वो अरुणाचल प्रदेश में इंटरफेरेंस करने की बात करने को लेकर बैठक करना चाहेगा, वो बॉर्डर के अंदर, भारत के बॉर्डर के अंदर इंटरफेरेंस की, आप रोड न बनाओ, आप वहाँ सड़क न बनाओ, बिजली न बनाओ, आप वहाँ तक नहीं जाओ, और अगर ये बात करेगा तो भारत का कौन राजनीतिक पार्टी? संजय जी, अरुणाचल के पास अगर बात की जाए, अरुणाचल के पास, संजय जी सुन लीजिए, अरुणाचल के पास सीमा के इलाकों में 3 मॉडल गांव डेवलप किए गए। अभी जो मॉडल गांव है, किस तरह के मॉडल गांव है, जेपी सिंह जी भी बेहतर तरीके से जानते हैं, समझते हैं, डिफेंस से ही ये भी एक्सपर्टीज रखते हैं। जेपी सिंह जी, मैं चाहूंगी कि इस चीज को आप समझाएं, ये जो मॉडल गांव है, चीन दरअसल इस मॉडल गांव में क्या कर रहा है? जो ऐसा कभी किसी के बारे में बोलती नहीं हूँ, लगातार पर्सनल व्यक्तिगत प्रहार करते हैं ये जो डिफेंस एक्सपर्ट आए हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ, हर डिफेंस एक्सपर्ट, हर कर्नल डिफेंस एक्सपर्ट नहीं बन सकता, इनके बजाय किसी प्रॉपर अच्छे समझदार व्यक्ति को लाया करें, जिसकी अनुमा जी एक बार जरा जेपी सिंह से भी सब समझ लेते हैं सर, लेकिन जेपी जी की बातें करते हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता जैसी बात करते हैं, एक आर्मी के कर्नल, अनुमा जी इनसे समझ लेते हैं, जमीन नहीं आती कि जमीन चली गई हमारी। अरुणा जी, जी अरुणा जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई समझदार आए ना समझदार आए, ये जो डिबेट हो रही है, ये चाइना और जो भारत के फेस ऑफ है, स्टैंड ऑफ है बॉर्डर पर एलएसी के, उसके ऊपर हो रही है। आप हाँ जी हैं जी, मैं अपने सभी मेहमानों से चाहूंगी व्यक्तिगत टिप्पणियां एक दूसरे पर कोई भी ना करे, कोई भी मेहमान हो, मैं अपने सभी मेहमानों से रिक्वेस्ट करती हूँ व्यक्तिगत टिप्पणी कोई ना करे, बहुत संजीदा विषय है। मैं रविंद्र जी का रुख कर रही हूँ। सर, यहाँ पर जिस विषय को लेकर के आपने भी पॉइंट उठाया, बिल्कुल ठीक कहा कि हम पुराना भारत नहीं है, लेकिन चाइना भी तो पुराना नहीं है, इसे भी हमें ही समझना है। खबर तो अब ये है कि अरुणाचल के पास में बॉर्डर पर 3 मॉडल गांव को डेवलप किया गया चीन द्वारा,
दरअसल उसके पीछे कहने के लिए गांव है, वहां पर पूरी की पूरी सेना की डिप्लॉयमेंट है, सेना वहां रह रही है, इसको हम किस तरीके से देखें समझें? क्योंकि जब हम देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो उसके लिए तैयारियां भी नहीं हो पाएंगी। प्रीति जी, मैं एक स्पेकुलेशन करूंगा जी, आने वाले वक्त में कुछ महीनों में आप देखना चाइना की तरफ से गलवान जैसा या उठा नहीं या छोटा हमारे अरुणाचल की तरफ कोई इंसिडेंट जरूर होगा, क्योंकि ये चाइना की बहुत आता है। अभी हमारे पैनलिस्ट को कहते हैं कि हमारी एलएसी की 3488 किलोमीटर, चाइना और भारत में एग्रीमेंट नहीं कि लेंथ कितनी है, ये तो हम कहते हैं जी। चाइना तो जाकर के 4500 किलोमीटर की एलएसी बताता है, तो वो अलग छोड़िए। चाइना की स्ट्रैटेजी ये है कि भारत को जितना ज्यादा से ज्यादा उससे इलास्टिक होता है ना रबर बैंड, उसे स्ट्रेच करो, हमारे को खर्चे करने अपनी टेक्नोलॉजीज में, एजुकेशन में, R&D में, टेक्नोलॉजी में, हम वो नहीं कर पा रहे, उसके बजाय हमें जो रोटी है उसमें ज्यादा करना पड़ रहा है। और वहां चाइना इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम, ड्रोन्स, कटिंग एज टेक्नोलॉजी अमेरिका से आगे चला जा रहा है। तो हमें जो करना, हमें जैसे एक पेड़ होता है जब हवा आता है अगर रिजिड खड़ा रहे गिर जाता है, हमें थोड़ा इलास्टिक होना पड़ेगा, थोड़ा ये हमें थोड़ा रख लीजिए पड़ेगा। अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, ये सब भी कंट्री है जो आज ब्रिटेन, ये सब भी देश है जो आज चाइना के खिलाफ तैयार हो रहा है। किसी को बोल दीजिए, आपने बोला, आपने किसी देश के लिए मत बोलिए नकारात्मक होना। अगर किसी विषय को उठाना, संजय जी किसी विषय को उठाना, उसके प्रति चर्चा करना नकारात्मकता का ही परिचय नहीं होता है, बल्कि दूरदर्शिता का परिचय भी होता है। हम ये क्यों नहीं समझते कि जिस विषय को लेकर के आज हम चर्चा कर रहे हैं, उस विषय को आज से 6 महीने पहले तक हम नकार रहे थे? अरुणाचल को तो हम कोई फ्रंट ही नहीं मान रहे थे, ये भी तो हकीकत है ना। अरुणाचल को क्या हम कोई फ्रंट मान रहे थे? आज ये भी तो आकलन करने की आवश्यकता है कि अमेरिका भी उसका दुश्मन है, जापान भी उसका दुश्मन है, कोरिया, लेकिन सबसे ज्यादा चुनौतियां भारत को मिल रही हैं। हमें इससे भी इनकार नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर के ये बहस जो है, हालांकि अभी इसको हम जिस तरीके से खत्म कर रहे हैं, खत्मे की तरफ नहीं है। दरअसल ये वो विषय है जिसको लेकर के मंथन भी जरूरी है, और इसके लिए अगर पहले से ही दूरदर्शिता दिखाई जाए तो शायद आने वाले समय में जो चुनौतियां हमारे सामने होंगी, हम उसे बेहतर तरीके से निपट पाएंगे। इस चर्चा में आप तमाम मेहमान जुड़े, अरुणा जी आप चर्चा में शामिल हुई, रविंद्र सचदेव साहब आपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए, हालांकि हम बहुत ज़्यादा विस्तार से बातचीत नहीं कर पाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी आप स्टूडियो आए, और कर्नल JP सिंह साहब चर्चा में शामिल होने के लिए, तमाम कमेंट्स देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ बड़ी बहस कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए चलते रहिए समय के साथ सहारा।